और कोविड के दौरान वीएलई कर्मचारी जिन्हें कोरोना के दौरान कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में ये कार्यरत थे, जिन्होंने कई गांवों और कस्बों में जाकर अपनी सेवाएं दी, वैसे लोगों को 2 साल के बाद भी उनके मेहनत का जो मेहताना है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। और यहां तक कि रांची उपायुक्त भी आम जनता से नहीं मिलते हैं। लोग परेशानियां लेकर आते हैं लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी मुलाकात नहीं हो पाती है। दोनों पहले लाइव 7 ने एक खबर दिखाई थी, जिस खबर में दिखाया गया था कि महामारी, वैश्विक महामारी के समय हमारा भगवान बनके कौन कौन खड़ा रहा था। अब उस भगवान की पूजा उस वक्त तो एकदम अगरबत्ती और दिए के साथ की गई, लेकिन आज उस भगवान को दर बदर भटकना पड़ रहा है। क्या है वजह? ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई थी। अब इसके बाद हमें ये तय हुआ था, सभी लोगों में ये तय हुआ था कि हम उपायुक्त के साहब के पास जाएंगे, DC साहब के पास जाएंगे, काके विधायक के पास जाएंगे, मांडर विधायक के पास जाएंगे और सभी लोगों के पास एक आखिरी दफ़ा जा कर के कोशिश करेंगे कि हमारी जो तनख्वाह अटकी हुई है, जो हमारे पैसे अटके हुए हैं, वो हमें दे दिया जाए। अब पता नहीं क्या हुआ कि आज फिर से ये हमारे पास आए हैं। अब जानते हैं कि आखिर हमारी ज़रूरत इनको फिर से क्यों पड़ी। ये जो हमने खबर दिखाई, खबर में कई लोगों ने देखा उस खबर को और जिन तक जाना चाहिए था उन तक भी गया, लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं हुआ। अब क्यों असर नहीं हुआ, आइए जानते हैं इन लोगों से। क्या लगता है कि जो आखिरी दफ़ा हमने खबर चलाई थी उसको क्या नहीं देखा होगा उन लोगों ने, या फिर उन तक नहीं पहुंचा होगा? देखा होगा और पहुंचा भी होगा, लेकिन उन वो लोग हमारी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। फ्राइडे को भी आए थे DC सर से मिलने, तो DC सर नहीं थे तो इसी कारण नहीं मिल पाए। अब आज आए हैं तो आज यहाँ आए तो आज यहाँ के जो उनके जो काम करने वाले लोग हैं, वो लोग कर्मचारी लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं मिलेंगे, इस बारे में बात ही नहीं करेंगे, ये प्रोसेस बता रहे हैं, वो प्रोसेस बता रहे हैं। जिस आदमी का नाम बताते हैं वो आदमी यहाँ मिलता ही नहीं है। कोई राजेश नाम बता रहा है, कोई कुछ और नाम बता रहा है, उस आदमी के पास हम जाना चाहते तो वो आदमी है ही नहीं यहाँ पे कि आप उनसे मिलकर, ये प्रोसेस होता है सर से मिलने का, वो हम करना चाह रहे तो वो आदमी मिले तब तो वो आदमी करे, लेकिन वो आदमी है ही नहीं वहाँ पे, तो प्रोसेस हमको गलत बताया जा रहा है, वो सर से ना मिलने देने का कारण है। अभी ये मेरा ना आप लोगों से, इन लोगों से तो खैर बाद में सवाल होगा, आप लोगों से एक सवाल होगा कि जनता, जो राजधानी की जनता है, उसका जो मालिक है वो DC है। अब DC ही राजधानी की जनता का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? मैं भी उस जनता में शामिल होती हूँ, मुझे भी कल को ज़रूरत पड़ सकती है तो मेरी मदद कौन करेगा? DC साहब, अगर आप हमसे मिलेंगे नहीं, हमारे जो राजधानी के मुखिया होकर के आप हमसे नहीं मिलेंगे तो हमसे मिलेगा कौन? ये क्वेश्चन, ये सवाल पूरी जनता के लिए है। आखिर कल आपकी भी ज़रूरत हो सकती है, कल आपसे भी नहीं मिलेंगे। अब राम जाने, भगवान मालिक है इन सब चीज़ों का। बताइएगा कि आप लोग काकी विधायक के पास भी गए थे, वहाँ क्या कुछ हुआ? जी, उन वहाँ पास हम लोग गए, वो हमारे रिसीविंग दिए हमें और उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, DC सर को हम कॉल कर देंगे, आप लोग से वो मिलेंगे जी। पर यहाँ आए तो यहाँ तो कुछ और ही रवैया चल रहा है, वो तो हम लोग से मिलने ही नहीं चाहते हैं। अब रीज़न इसके आगे क्या है, क्यों हम लोग को इतना इग्नोर किया जा रहा है, अब ये तो वही लोग जान पाएंगे। तो ऐसा कुछ प्रमाण उन्होंने दिखाया कि उन्होंने फोन किया? ये एक, मैं सहयोगी से चाहूंगी वो नजदीक करें, ये रिसीविंग है 22/6/2023 को ये लोग गए हुए थे, मतलब 22 जून को गए हुए थे समरी लाल जी के पास और वहाँ पे से उन्होंने ये रिसिप्ट दी गई है इनको वापस में कि जा करके ये चीज़ दिखाइएगा, आपसे DC साहब मुलाकात कर लेंगे। पता नहीं, ये तो विधायक साहब के भी ज़ुबान पे ठेंगा दिखाया जा रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जाएं कहाँ। मुद्दा तो आपको सभी को मालूम है, हमारे साथ एक महिला भी हैं जो लगातार इनके साथ आना जाना कर रही हैं और लगातार इनके साथ संघर्ष कर रही हैं। बताइएगा कि आपका संघर्ष कितने समय का है, कब से कर रही थी आप, कितने सालों का संघर्ष है? 2 साल। ये रवैया आप लोगों के प्रति क्या, मतलब किस और इशारा करता है? हमें तो लग रहा है जैसे कि ये लोग हम लोग से मिलने ही नहीं चाहते, या फिर इसमें किसी और किन्हीं का भी हाथ हो सकता है, या फिर पेमेंट नहीं करने का कोई बड़ा इशू समझ में आ रहा है। पर ये तो गलत बात है, क्योंकि हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलके उस जो महामारी में अपना का पूरा काम किए हैं, तो हम लोग को अपना हक का पैसा के लिए आए हैं, इनसे तो हम कोई उनसे मांग नहीं रहे हैं, अपने हक के लड़ाई के लिए आए हुए हैं, तो अब क्यों नहीं मिलना चाह रहे हैं, अब यही सब बता सकते हैं। आखिरी दफा आपसे सवाल नहीं किया था, आज मैं सवाल करूँ, क्या हो सकता है, इरादा क्या हो सकता है? क्या इनके पैसे आ चुके हैं जो आप लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं, या फिर उन पैसों का कहीं घपला हुआ है? क्योंकि ये जो पैसे हैं, जो इनकी तनख्वाह है, शुरुआत के समय में मिली, मतलब क्या आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, तब तो हम लोग से कोई मिलने को नहीं आ रहा ना, या मिलना नहीं चाह रहा है, कुछ ऐसी बात तो है। और ये पोर्टल, PG पोर्टल में तो साफ तौर पर लिखा गया है कि पेमेंट हैज बीन डन,
अगर वहाँ डन हो गया है और वहाँ से कहते हैं सिविल सर्जन सर की गलती से हुआ है, तो हम लोग भी तो वही चीज़ कह रहे हैं कि अगर वो गलती से हुआ तो हम पे भी एक गलती कर देना, हम लोग का भी पेमेंट कर दिया जाए। हम लोग क्यों आएंगे बार बार आप लोगों के पास, क्यों हम लोग का पैसा फिजूल में तो आता नहीं है। घर वाला भी बार बार सवाल उठाया जा रहा, और भी जो लोग हम लोग के नीचे थे काम कर रहे थे उनका घर से उनका फैमिली वाला लोग हम लोग मेरा घर में आके बैठे हुए रहते हैं कि क्या हो रहा दो साल से, पिछले दो साल से बस यही रवैया है। तो हम लोग करें तो करें क्या, किनके पास जाए। तो ये हमारे साथ सभी वीएलई के जो काम किए हुए लड़के हैं और साथ में एक महिला भी थी हमारे साथ, जिन्होंने बताई कि दो सालों से किस तरीके से दौड़ रहे हैं आज डीसी ऑफिस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दौड़ रहे हैं, इनका परिवार भी परेशान है। दूसरी तरफ परिवार, माँ बाप भाई सब परेशान है कि आखिर तुमने उस वक्त जनता का साथ दिया, उस वक्त इन अधिकारियों का साथ दिया जिस वक्त कोई साथ नहीं खड़ा था, उस वक्त में आप खड़े हुए। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक ये कान बंद करके बैठे अधिकारियों तक इनकी आवाज़ जाएगी। विधायक साहब का जो ये पर्चा है उन्होंने दिया, और उन्होंने ये 23 तारीख का है, डॉक्टर इरफान अंसारी के पास भी आप गए जी, तो ये जामताड़ा विधायक के पास भी गए और उन्होंने ये कहा था कि आप जाइएगा डीसी ऑफिस के पास और वहाँ जाके बस ये पेपर दिखा दीजिएगा, आपकी मुलाकात हो जाएगी। ये पेपर तो खैर फिलहाल मुझे कागजी वो क्या काला अक्षर भैंस बराबर नज़र आ रहा है, क्योंकि डीसी ऑफिस में इसकी कोई इज्जत नहीं है फिलहाल के लिए। अब इरफान अंसारी साहब से भी मेरा सवाल होगा और डीसी साहब से भी मेरा सवाल होगा, जाएँ तो जाएँ कहाँ? आप लोगों से भी यही सवाल है कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन आगे के जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। सहयोगी हेमंत के साथ काजल मेहता, लाइव 7 रांची।